गुड मॉर्निंग बच्चों, एट्थ क्लास की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रैक्टिस टाइम 1.2 शुरू करेंगे। आपको ये पेज नंबर 13 पर दे रखा है। इसके पहले प्रैक्टिस टाइम 1.1 अपनी हो चुकी थी। मैंने आपको कुछ होमवर्क भी करने के लिए दिया था। मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरे सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हुए मैं प्रैक्टिस टाइम 1.2 की शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर ए बी सी तीन क्वेश्चंस दे रखे हैं और इनमें दो दो रेशनल नंबर्स हैं। इन सभी को हमें ऐड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले इसका बी पार्ट देखिएगा। -8/11 एंड -5/11। बच्चों, इसे सॉल्व करते हैं। मैथ्स में जब कभी भी आपको सॉल्व करना पड़े तो पहले सॉल्यूशन लिखिए, जो लास्ट में आंसर निकले वहां पर आंसर लिखिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो -8/11 तो ऐड करने के लिए इसमें हम सबसे पहले प्लस का सिंबल लगा देते हैं। जहां पर माइनस है तो वहां पर एक स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा। बच्चों देखिए, प्लस को माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस, ठीक है। -8/11 और -5/11, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर 11 है और 11 है, तो बच्चों जब दोनों चीज़ें कॉमन रहती है तब कोई भी दिक्कत नहीं रहती। आप सीधे ही इनको साथ में हल लिख दीजिए और यहाँ पर -8 -5 कर दीजिए। दोनों माइनस में हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे। अगर दोनों प्लस के होते तब भी ऐड हो जाते हैं, परंतु एक प्लस का रहता है एक माइनस का रहता है, या एक माइनस का रहता है एक प्लस का रहता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। 8 and 5 13 हो गया। माइनस का सिंबल लगा दीजिए और 11 आ गया। ये इसका आंसर है। एक बार आपको ये क्वेश्चन मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। हमें इन दोनों रेशनल नंबर्स को ऐड करना है। हमने प्लस का सिंबल लगा दिया क्योंकि हमें ऐड करना है। इसके बाद में जब प्लस को माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, नीचे वाली जो नंबर है वो कॉमन है, इसलिए ये नीचे रख रहे थे और डायरेक्टली इसको -8 -5 कर देते हैं, तो -8 ठीक है बच्चों। बाकी क्वेश्चन नंबर ए और सी इसके तरह के ही हैं, आप कर सकते हैं। तो मैं आपको ये चीजें आपके होमवर्क में लिख लेता हूं। इसे रफ करता हूं मैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी की सहायता से हमें इनका सम निकालना है। सम का मतलब होता है बेटा एडिशन। मैं जैसे क्वेश्चन देख रहा हूँ तो सम की भी जरूरत नहीं है। जो भी एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, सारे का सारे इसमें दे रखा है, ठीक है। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले क्लियर करवाता हूँ इसका। 7/3 -4/3 +-11/5 or +3/5, ठीक है बेटा। क्वेश्चन को जब भी आप अपनी बुक से नोट करें
एक बार उसे वापस से देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती अगर हमारे क्वेश्चन में लिखने में हो जाती है तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाता है। बच्चों देखिए, इसमें जो दो रेशनल नंबर है इसमें डिनोमिनेटर है बराबर 3-3, और इसके बाद के जो दो रेशनल नंबर्स हैं इनके जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, तो हम पहले इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा बेटा, सबसे पहले देखिए इनका जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है तो वो 3 आ गया। अब एज इट इज आप 7-4 लिख सकते हैं, इधर प्लस कर दीजिए। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है 5 आता है, और ऊपर -11 + 3 आप लिख दीजिए। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 7-4 क्या रहता है बेटा, 3 रहता है, 3/3। इसके बाद में -11 + 3, देखो बेटा 1 + 1 - 1, इसमें 1 + 1 - 1 एक चीज़ है, इधर आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा। 11 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको 8 मिलता है, और 8 बड़ा नंबर नेगेटिव है ना, तो आपको माइनस का सिंबल लगाना पड़ेगा, अपॉन 5 हो जाएगा। एक ब्रैकेट आप यहाँ पे बना दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट वैसे यहाँ पर भी बना सकते थे, मैंने क्लास बना नहीं है, कोई बात नहीं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो ब्रैकेट का इस्तेमाल अपन यहाँ पे करते हैं। इधर देखिए 3-3 है, 3-3 से कट गया तो बना रहा, तो 1 + -8/5 हो गया, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होता है। अगला पार्ट में यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, तो बच्चों ये आता है प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 1 - 8/5। बच्चों देखिए यहाँ पर देखिए जो 1 है ना, 1 के नीचे 1 मैं मान सकता हूँ, ठीक है, 1 और 5 का जो LCM है यदि आप लेते हैं तो इसका LCM हमें क्या मिलता है, 5, ठीक है, तो LCM 5 में यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, 5 में आप 1 को डिवाइड कीजिए, 1 5 से 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 आएगा। इसके बाद 5 में 5 इस 5 को इस 5 में डिवाइड कीजिए, 1 आएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 आएगा। इसके बाद में 5 - 8 को 8 - 5 करो, आपको सब्ट्रैक्शन करना है, 1 + 1 - 1, तो ये आएगा -3। सब्ट्रैक्शन कर लिया, बड़ा जो नंबर है वो माइनस का इसलिए माइनस लगेगा, तो -3/5 इसका आंसर है। नोट कर लीजिएगा, एक बार दोबारा से आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, हमें इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पर इन दो रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स कॉमन है और इन दो रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स कॉमन है, तो इनको अलग सॉल्व करते हैं, इनको अलग सॉल्व करते हैं, बीच में प्लस लगा हुआ ही है, दोनों में कॉमन है तो नीचे लिख दिया, ये 7 - 4 एज इट इज, ऊपर का नंबर हम लिख दिया, सेम टू सेम यहाँ पर किया, ये 3 से 3 कट के अपन आया, और 1 और 5 का LCM लिया तो 5 आया, 5 में 1 को डिवाइड किया 5 है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 है, 5 में 5 को डिवाइड किया 1 आया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8 आया। ये क्वेश्चन जितने ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे। मैं रख करता हूँ बेटा, बी पार्ट देखते हैं बच्चों, 15/8 + -7/6 + -13/4 + -11/3। बच्चों देखिए, अब इस क्वेश्चन में इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो आपको कोई भी कॉमन नहीं मिल रहे, सारे के सारे जो डिनोमिनेटर्स है बेटा वो अलग अलग है, हम इनका चारों का LCM ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तो 8, 6, 4, 3 LCM किसे लेते हैं, LCM लेने का फायदा ये रहता है ताकि
इनका अगर डिनोमिनेटर अपॉन में जो चीज आती है ना वो अगर एक रहेगा तो सिंपल ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 8643 सबसे छोटा नंबर 2 है, उसे डिवाइड करते हैं, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 हो गया। एक बार फिर 2 लगाना पड़ेगा, 2 2 4, 3 एज इट इज, 2 1 2 और 3 एज इट इज। एक बार फिर से 2 लगाना पड़ेगा, 1 3 1 3, और 3 लगाना पड़ेगा, 1 1 1 1। तो इसका जो एलसीएम मिलता है बेटा 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 24 इनका एलसीएम आता है। ये थोड़ा सा इसलिए ध्यान से समझना, ठीक है, एलसीएम आप जो नोटबुक है उसके राइट साइड में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। ये इसलिए सबसे पहले 24 में 8 डिवाइड करता हूँ, 8 3 24, 3 आया, 3 को मल्टीप्लाई किया 15 से, कितना आया 45, 15 3 45। बेटा इसके बाद में देखिएगा प्लस करके, और ये यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना देता हूँ ताकि आपको परेशानी नहीं हो, दिक्कत नहीं हो, ठीक है। 24 में 6 को डिवाइड कीजिए, कितना आता है, 6 4 24, 4 आया, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है 28, ठीक है। इसके बाद में 4 है, डिवाइड करो 24 को 4 से, 4 6 24, 6 को 13 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 78, ठीक है, माइनस में 36 78। इसके बाद में 24 में 3 को डिवाइड करो, कितना आता है, ये आता है बेटा 8, ठीक है, 3 8 24। अब 8 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 88 आएगा, एक बार वापस से आप चेक करो, 24 में 8 डिवाइड किया, कितना आया 3 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 3 45, 24 में 6 को डिवाइड कीजिए, कितना आता है 4, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है 28, माइनस आ जाए, माइनस याद नहीं करना। इसके बाद में 24 में 4 को डिवाइड कीजिए, कितना आता है 6 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 78 आ गया, माइनस यहाँ पर लगा दिया। 3 को 24 में डिवाइड कीजिए, कितना आता है 8, 8 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 88 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। बस बेटा कुछ भी नहीं है, ये बार ब्रैकेट हटा देते हैं अपन, तो 45 माइनस 28 माइनस 78 माइनस 88 अपॉन 24, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस के लिए माइनस का, तो 45 को ऐसे ही रख देते हैं या माइनस लगा देते हैं, तीनों को आप ऐड कर दीजिए, रफ में ऐड करना, ये एक साइड में ऐड करके रफ करके लिखना, 28, 78 और 88, इन तीनों का आपको करना है एडिशन। माइनस 194 आ गया अपॉन 24 में लिख देता हूँ, ठीक है, बच्चों मैंने बोर्ड पर कर दिया है, 45 माइनस 194, एक प्लस एक माइनस है, इसका मतलब यह है कि आपको इसका सब्ट्रैक्शन करना होगा, तो 194 में से 45 में
सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो देखिए मुझे क्या मिलता है 149। ठीक है, और एक बात यह है कि ये नंबर माइनस आया क्योंकि बड़ा जो नंबर है वो नंबर है आपका नेगेटिव। ठीक है बेटा, और अब मैं एक बार देखता हूँ क्या थोड़ा सा ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है, कट सकता है कि नहीं कट सकता, कोई बार चेक कर लेता हूँ। ये घटता नहीं है वैसे तो। ठीक है बच्चों, तो आपका ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बच्चों देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि इसका थोड़ा हार्ड लग रहा है, आपको शायद परेशानी नहीं हो, तो एक बार क्या है बेटा मैं सी पार्ट भी करवा देता हूँ। ठीक है, लास्ट में जो इसका डी पार्ट होगा वो आप अपने घर से करके लेना। ठीक है, क्वेश्चन टू का डी पार्ट, क्योंकि ये बेसिक चीज है, अगर आप ये समझ लेते हैं आपको करना आ जाता है तो आप वही रखेंगे। माइनस 19 अपॉन 28 माइनस 1 अपॉन 14 प्लस माइनस 16 अपॉन 21 और इसके बाद में दे रखा है प्लस 18 अपॉन। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन जो आप लिखा है वापस से मैं चेक कर लेता हूँ। बच्चों आप इसके बाद में इनका जो डिनोमिनेटर्स है इसे एक कर दिया। ठीक है, तो मैं इसे एलसीएम लेता हूँ 28, 14, 21 और 7। सबसे पहले छोटे से छोटा प्राइम नंबर 2 है उससे मैं डिवाइड करता हूँ। अब ये फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 7, 7, 3, 7, 21, 7 और लास्ट में 7, 1, 1, 1। तो देखिए इनका एलसीएम क्या होता है, 2 × 2 × 3 × 7, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12, 7 = 84। वापस एक बार चेक कर लेता हूँ, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12, 7 = 84। तो अब ये कॉमन हो जाएगा 84। थोड़ा अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आपका समझ लो कि खाली जैसे कहते हैं ना एक रोटी होती है उसका 3/4 आपने खा लिया। ठीक है, आपका समझ में आ गया सर। तो 84 में 28 में डिवाइड करता हूँ बेटा, मुझे ऐसा लगता है शायद 3 बार होगा। ठीक है, 3 आया और 3 को 19 से मुझे मल्टीप्लाई करना है। ये मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, आगे माइनस आ गया। अब 84 में आपको डिवाइड करना है 14, ये 6 बार। ठीक है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 6 ही आएगा, आगे प्लस लगा देता हूँ। नाउ आप 21 को 84 में डिवाइड कीजिए, ये भी आपका 4 टाइम्स आएगा। 4 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, 64 आएगा। इसके बाद में 7 को भी डिवाइड करो, 84 को डिवाइड करो 7 से, 7 × 7 = 14, 12 को 18 से मल्टीप्लाई करो,
बार मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपका फंडामेंटल जो है वो क्लियर हो सके। पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाला, मुझे 84 मिला, ठीक है बेटा। अब बारी बारी से जो भी डिनोमिनेटर्स है वो 84 से डिवाइड कर लें। 28 डिवाइड किया 84 से, 3 आया, 3 को 19 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 57 आ गया, ठीक है। फिर 14 को डिवाइड किया 84 से, 6 आया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। फिर 84 में 21 को डिवाइड किया, 4 आया, 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 64 आ गया। फिर 84 को 7 से डिवाइड किया, 12 आया, 12 को 18 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 216 आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों, ब्रैकेट को खोल देते हैं। ये हो गया माइनस का 57, माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस 64, प्लस 216, इसे डिवाइड कर देते हैं 84 से। बच्चों देखिए, जो भी माइनस माइनस वाले नंबर हैं उन सभी को अपन ऐड कर देते हैं, 57, 6, 64, प्लस को छोड़ दो, प्लस 80 होगा मेरे साथ में, ठीक है। डिजिट्स बार बार चेक करते रहिए, कोई डिजिट गलत नहीं हो लिखने में। तो ये 127 आया, ये माइनस का लिखेंगे और ये लिखेंगे 216 प्लस का, अपॉन में है अपना 84। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो 216 में 127 मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, देखिए मुझे क्या मिलता है। ये आता है 89 बच्चों आएगा प्लस का, क्योंकि तो बड़ा नंबर प्लस का है, तो 89 अपॉन 84। और आगे कहीं भी ये कटते नहीं है आपस में। एक बार मैं वापस से एडिशन चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। ए बी सी तीनों करवा दिए हैं, डी पार्ट आपको अपने घर से करके लाना है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है बेटा, उस नंबर में वो नंबर जोड़ेंगे जिससे हमें जीरो मिलता है। बड़ा आसान है, ये की कराता हूँ, बाकी की नाम फंसे रहते हैं। तो ये देखिएगा, माइनस 2/9 है, तो सिंपल लिख दीजिए एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 2/9। ये माइनस हटा दो, ये हो गया 2/9, बस दोनों को ऐड करो, जीरो, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन 3 का आप लोग बी सी और डी या घर से करके लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इफ द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज 3/20, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 3/4, फाइंड द। बहुत आसान है ये क्वेश्चन है, सम माने क्या होता है, जोड़, ऐड, ठीक है। तो दो रेशनल नंबर का जो सम है, जो एडिशन है, वो हमें मिलता है 3/20। एक नंबर 3/4 है तो दूसरा क्या होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। लेट अदर नंबर इज एक्स,
जो दूसरा नंबर है उसे अपन एक्स मान लेते हैं। ठीक है, नाउ कंडीशन अप्लाई कर देते हैं बेटा, दोनों को ऐड कर दो, तो 3/4 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3/20। बच्चा कुछ भी नहीं है, इस चीज को उधर डालो, इस तरह का सिंपल या और दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू आपका हो गया बेटा 3/1। एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो ये है कि जब कभी भी आप इस तरह की इक्वेशन करते हैं जहाँ पे आपको और लगाना पड़े, तो बराबर के नीचे इक्वल के नीचे आपको इक्वल का सिंबल यूज में लेना है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू हो गया 3/20 माइनस 3/4। ठीक है बेटा, 20 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, 24, 2 से किया 10 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 से किया 5 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 5 से किया 1 आ गया, 2 × 2 × 5। तो 2 × 2 × 5 = 2 × 4, 4 × 5 = 20। 20 एलसीएम आ जाएगा बेटा, 20/20 = 1, 1 × 3 = 3। माइनस लगा दीजिए, 20/4, 20 में 4 डिवाइड कीजिए 5 आएगा, 5 × 3 = 15। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ऊपर का पोजीशन में रख कर देता हूँ। आगे देखिएगा, ये 3 − 15, एक माइनस है एक प्लस है, सबट्रैक्ट करना है, 3 − 15 माइनस कर कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए यहाँ पर माइनस लगा लिया, अपॉन 20। थोड़ा काटने की कोशिश कीजिए, दो दो से टू टू से कट जाएगा ये, तो −12/2 से डिवाइड होता है, डायरेक्ट आप चाहो तो लिख सकते हो, दोनों नंबर से है वो से डिवाइड हो जाते हैं, तो ये काटेंगे तो आपको मिलेगा 3/4। ठीक है, सॉरी 3/5। तो ये आपका जो आंसर है, ठीक है, चाहो तो इसमें शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, हेंस अदर नंबर is −3/5, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 यार घर से करके लगेगा। तो बच्चों आज आपको होमवर्क में एक बार बता देता हूँ, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन 1 का ए पार्ट, सी पार्ट, क्वेश्चन 2 का डी पार्ट, क्वेश्चन 3 का बी सी डी और क्वेश्चन 5 ये आपको घर से करके ला देना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में यहाँ पे खत्म करता हूँ, थैंक यू, हैव ए गुड डे अहेड।